नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा। स्वागत है रोजगार दैनिक समाचार में। और ये रही बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेकर आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें महिला के 2069 पद और पुरुष के 171 पद शामिल किए गए हैं। पूरी डिटेल के लिए UPSSC की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UPSC.NIC.IN की वेबसाइट पर पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। देश भर में 80% छात्रों ने दी CET, और यहाँ पर लोगों ने बताया कि पिछली बार से CTET का पेपर आसान आया था। हालांकि आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं पर NEET UG के लिए आवेदन महाराष्ट्र में पास करने वाले UP में छात्र अव्वल हो चुके हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ। वहीं पर अगली खबर की बात अगर करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर। संविदा की सेवा में पेंशन की अवधि का हिस्सा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मचारियों के रूप में पिछली सेवा पैनल को ध्यान में रखकर उनकी जो पेंशन है उसे बढ़ाना चाहिए। हिमाचल सरकार की नियमावली को किया गया संविदा कर्मचारियों के विकास अपनाने का मौका, ये पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर संविदा कर्मियों के लिए है, अगर आप हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सरकारी डॉक्टरों को मिलेगी प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों के कार्यरत संकाय जो सदस्य हैं, डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट दी जाएगी, और इसके लिए चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को मसौदे तैयार करने होंगे और इसे जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि आपके राय से क्या ये सही है जरूर बताएं। साथ में अगर आपके यहाँ कोई मीटर बिजली बिल निकालने आता है और वो गलत कर देता है तो आप खुद निकाल सकते हैं। इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि आप मीटर की रीडिंग कैसे करते हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपकी बिजली बिल की बचत हो सकेगी। पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने रखा उपवास, और यहाँ पर ये वरिष्ठ संवाददाता वाराणसी की रिपोर्ट है। पेंशन संघर्ष मोर्चा बैनर तले शिक्षक नेता ने शिक्षकों ने मिलकर किया उपवास ताकि उनके पेंशन लागू किए जाएँ। हालांकि छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपों की बातें बढ़ती जा रही है। CBI को लेकर कल भी काफ़ी खबरें आई थी, कल की वीडियो में, और आज की वीडियो में भी वही खबर है। और सच बताएं तो सरकार जो है स्कॉलरशिप देती है, बट इसमें बीच में इतना ज़्यादा घोटाला हो जाता है कि बच्चों तक स्कॉलरशिप पहुँच ही नहीं पाता है। वहीं पर कुछ प्रमुख खबरें जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए और आपको हम बताना चाहेंगे। अगर आप ऐसी खबर देखना पसंद करते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों तो फॉलो कर लीजिए, और हाँ, आपका कोई विचार है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। IIT रुड़की में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन है, अगर आप करना चाहते हैं तो 78 पदें हैं। अगर 78 पदों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपके 18 वर्ष की आयु है, 27 से 32 मैक्सिमम है, और चयन की प्रक्रिया जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। साथ में यहां पर सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी ठीक ठाक है, 21,000 से लेकर 1,12,000 तक है। 30 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं और ₹500 का शुल्क लगेगा। साथ में वेबसाइट भी आपके स्क्रीन पर ये दिख रही है। सो दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में करना बताना जरूर लिखें। और FDDI में रोजगार की संभावनाएं हैं, जिसमें 62 पद हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहां से, आपकी स्क्रीन पर एक वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट से पूरी जानकारी लेके आप इसके योग्य हैं या फिर नहीं फॉर्म भर सकते हैं। HPCL में कई पद हैं, 276 पद हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिकल कई पदों पर, तो ये वेबसाइट मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन पर है। चलिए, आज की वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।